चलिए हम लोग जीके के नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सूरज से, इनमें से कौन एक वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण होगा? ऑप्शन दे दो। ऑप्शन नहीं। पहला है आय में वृद्धि आदि वह वस्तु निम्न स्तर की वस्तु है। दूसरा है वस्तु की कीमत में कमी। और तीसरा है आमदनी में कमी आदि वस्तु एक सामान्य वस्तु है। और चौथा है इसकी स्थानपन वस्तु की कीमत में वृद्धि। इसके स्थानपन वस्तु में कीमत में वृद्धि। ठीक है। मांग का कानून कहता है वही कीमत बढ़ जाता है और मांग कम हो जाता है। कीमत बढ़ जाता है और मांग कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बढ़ती हुई आय के साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट मांग। ठीक है। किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादन के घटक की मांग क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ मांग, दूसरा है संयुक्त मांग, तीसरा है व्युत्पन्न मांग और चौथा है स्वतंत्र मांग। सी नंबर ऑप्शन व्युत्पन्न मांग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि करने के कारण वस्तु के संतुलित कीमत में डैश होगी और संतुलन मात्रा में डैश होगी, बढ़त होगी, मतलब दोनों में बढ़त, दोनों में बढ़त होगी। ठीक है। निम्न में से कौन सा कॉफी के लिए मांग में वृद्धि होने का कारण होगा? ऑप्शन देने से। पहला है विदेशी बाजारों में कॉफी की कीमत गिर रही है। दूसरा है कॉफी की कीमतों की घरेली बाजारों में तेजी से गिरावट होने की उम्मीद की जा रही है। तीसरा है देश में औसत आय कम हो जाती है। और चौथा है चाय की कीमत में वृद्धि होती है। चाय की कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है। डैश वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस वस्तु को कम हो जाती है जब उपभोक्ता आय बढ़ जाती है। नहीं, ऑप्शन दे दे। पहला है विलसिता वस्तु, दूसरा है सामान्य वस्तु, तीसरा है अनन्य वस्तु और चौथा है निम्न कोटि की वस्तु। वही अनन्य वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु इसका आंसर हो जाएगा। यदि माल ए और जेड पूरक है तो माल जेड की कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप डैश होगा। वस्तु ए की कीमत में वृद्धि होगी, वस्तु ए की मांग में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह है। पहला है नीचे की ओर झुका हुआ, दूसरा है पूरी तरह से स्थिर, और तीसरा है एक अवतल वक्र, और चौथा है पूरी तरह से लोचदार। बोल दो इसका आंसर। पूरी तरह से इसका आंसर होगा पूरी तरह से लोचदार। यदि ए और बी वस्तुएं स्थानपन की हो जाती है वस्तु बी की कीमत में उत्पन्न होने वाली कमी क्या होगी? पहला है वस्तु बी के लिए मांग में कमी, दूसरा है दोनों वस्तुओं की मांग में कमी, और तीसरा है दोनों वस्तुओं की मांग में वृद्धि, और चौथा है वस्तु ए के लिए मांग में कमी। वस्तु ए की मांग। ठीक है। वस्तु ए के लिए मांग में कमी इसका आंसर हो जाए। आर्थिक संतुलन में डैश होता है। आर्थिक संतुलन डैश होता है। ऑप्शन है। पहला है मांग आपूर्ति के बराबर होती है, दूसरा है अधिशेष की कमी से भी बड़ा है, और तीसरा है मांग की लोच की आपूर्ति की लोच के बराबर होती है, और चौथा है मांग की कीमत लोच एकता है। फर्स्ट वाला। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मांग आपूर्ति के बराबर होती है। फर्स्ट वाला सेकंड वाला मत बोलो, जो भी आंसर है बता दिए। आदि हापुस आम के लिए मांग वक्र डी बराबर है 25,000 माइनस 70p और आपूर्ति वक्र एस बराबर 10,000 प्लस 80p, तो संतुलन की मात्रा कितनी है? इकोनॉमिक्स का ऐसा ऑप्शन दे। पहला है 18,000, दूसरा है 2,000, तीसरा है 1800 और चौथा है 200। 2,000 इसका आंसर हो जाएगा। 18,000 जो फॉर्मूला लगेगा वो बता दो।
संतुलन कीमत डी बराबर एस एस डी बराबर एस बराबर 2500 माइनस 70 पी बराबर 10000 प्लस 80 पी यही होता है। सॉल्व कर दो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए वह किस प्रकार के वह के उदाहरण है। ऑप्शन पहला है राजस्व व्यय, दूसरा है उत्पादन व्यय, तीसरा है निवेश व्यय और चौथा है पूंजीगत व्यय। उत्पादन व्यय निवेश व्यय इसका आंसर हो जाएगा। सीमांत राजस्व क्या है। सीमांत राजस्व पहला है किसी फर्म की औसत राजस्व, दूसरा है बेची गई प्रत्येक यूनिट पर प्राप्त राजस्व और तीसरा है सभी यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व और चौथा है अतिरिक्त यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त राजस्व। तो इसका आंसर हो जाएगा चार नंबर अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व। एचडीआई किन तीन क्षेत्रों में विकास का मापक है। शिक्षा आमदनी और स्वास्थ्य। ठीक है। समांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य। पहला है काला धन, दूसरा है समांतर व्यापार और तीसरा अवैध अर्थव्यवस्था और चौथा है कोई विकल्प सही नहीं है। काला धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देश तब होता है जब किसी सरकार का कुल वह उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। पहला है चालू खाता घाटा, दूसरा है बजट घाटा, तीसरा है राजस्व घाटा और चौथा है राजकोषीय घाटा। बजट इसका आंसर रहेगा राजकोषीय घाटा। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है। पहला है विकास का चरण, दूसरा है स्थिरता के चरण, तीसरा है विघटन के चरण और चौथा है कमी के चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास का चरण। तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती है। ठीक, इसका ऑप्शन दे देता है। पहला है कॉल सेंटर में कार्य करना, दूसरा है ट्यूशन व्यवसाय, तीसरा है मधुमक्खी पालन और चौथा है बैंकिंग। मधुमक्खी पालन नहीं है। ठीक है, मधुमक्खी पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है। ऑप्शन दे देते हैं। पहला है बैंकिंग, दूसरा है विनिर्माण और चौथा है वानिकी और चौथा है खनन। बैंकिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई के लिए सही है। ठीक, ऑप्शन दे देते हैं। पहला है अधिकांश परिसंपत्तियों का स्वामित्व लोगों के समूह पास होता है, दूसरा है अधिकांश परिसंपत्तियां बड़ी कंपनी के स्वामित्व में होती है, तीसरा है अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती है, चौथा है अधिकांश संपत्तियां एक व्यक्ति के पास होती है। सी नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है। चौदह हजार। इसका आंसर है 14000 है, 14 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज तक आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, आप लोग कमेंट करके कम से कम बताइए आंसर क्या होगा। थैंक यू आज के लिए देखने के लिए।